हेलो दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं ऑल न्यू मारुति सुजुकी इको। ये जो मॉडल है ये है सीएनजी प्लस एसी। दोस्तों ये जो मॉडल है एसी है और 5 सीटर ही है। कंपनी इसमें आपको दो ऑप्शन देती है, 5 सीटर और 7 सीटर। अगर आप 5 सीटर में लेना चाहते हो तो आपको इसमें एसी वेरिएंट मिलेगा दोस्तों, और वहीं अगर 7 सीटर में लेना चाहते हो आपको नॉन एसी मिलेगा इसके अंदर। एयर फ्यूल की बात कर लेते हैं इसके अंदर, तो पेट्रोल और सीएनजी दो मॉडल में ये उपलब्ध है दोस्तों। और सामने जो मॉडल देख सकते हैं यह है सीएनजी। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मिस्टर अजमेर टेक्निकल में। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उस वीडियो कर देना लाइक, ताकि नई नई गाड़ी के अपडेट्स आपको इस चैनल से हमेशा मिलते रहें दोस्तों। और दोस्तों हमने जो इससे पहले जो वीडियो शूट करी थी वो थी दोस्तों नॉन एसी 7 सीटर की, और ये है दोस्तों 5 सीटर एसी की, वो पेट्रोल थी, और ये सीएनजी और पेट्रोल दोनों के अंदर मिक्स है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी हेडलाइट यूनिट की, तो यहाँ देख सकते हैं आप, और यहाँ पर आपको कंपनी हाई और लो के अंदर आपको हेलोजन बल्ब प्रोवाइड करा रही है। और यहाँ मिल जाता है पायलट लैम्प, और इधर मिल जाता है दोस्तों इंडिकेटर, और कुछ इस प्रकार की ग्रिल मिल जाती है छोटी सी। इसमें सुजुकी का लोगो सामने देखने मिल जाएगा आपको, और आपको इसके अंदर मिल जाएगा ब्लैक कलर का बम्पर। इसके अंदर यहाँ पर आपको फॉग लैम्प के लिए जगह दी गई है, इसमें कंबन रिफ्लेक्टर नहीं है, आप लगवा सकते हैं इसमें। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपकी गैप दिख जाएगा आपको इसके अंदर यहाँ पे, ताकि रेडिएटर को ताज़ी हवा मिल सके। यहाँ आपको मिल जाएगा सिंगल हॉर्न, और यहीं अगर इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात कर लेते हैं हम, मैक पर्सन स्टड फ्रंट सस्पेंशन, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें टोइंग हुक, और कुछ इस प्रकार के इसमें विंडशील्ड मिल जाती है दोस्तों, विंड स्क्रीन डबल वाइपर के साथ में, और डबल इसके अंदर वॉशर मिल जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, और यहाँ मिल जाती है सीएनजी की ग्राफिक्स। तो हम यहाँ पे साइड प्रोफाइल्स की बात कर लेते हैं, साइट एंड इंडिकेटर, और यहीं टायर की बात करते हैं, 155 R 13 इंच के टायर मिल जाते हैं हमें स्टील रिम के साथ में। दोस्तों फ्रंट में आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, और वहीं रियर की बात कर लेते हैं इसके अंदर, तो आपको इसमें ड्रम ब्रेक सिस्टम मिल जाते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्मल इसमें ओआरएम मिल जाते हैं, और काफ़ी बड़े ओआरएम दिए गए हैं ताकि पीछे की साइड ड्राइवर पूरी कवर कर सके इसके अंदर। और यहाँ पे ब्लैक कलर के इसके अंदर आपको मिल जाएंगे दोस्तों डोर हैंडल्स, कीस आप यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और कुछ ऑरेंज और ब्लैक मिक्सचर में इसके ग्राफिक्स मिल जाएंगे इसके। दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है इसके अंदर वो है, एक तो इसके अंदर सीएनजी वेरिएंट है, और इसके अंदर पेट्रोल का भी ऑप्शन है दोस्तों, और यहाँ पेट्रोल टैंक की फ्यूल फिलर के मिल जाती है। और यहाँ अगर इसकी फ्यूल टैंक क्षमता की बात कर लेते हैं हम, 40 लीटर की क्षमता का इसमें पेट्रोल टैंक मिल जाते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार की मिल जाती है ऑल न्यू इको सीएनजी मॉडल की हमें, इसमें कोई सेंटर लॉकिंग कोई लॉक अनलॉक नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल की दी गई है इसके अंदर। और यहाँ बात कर लेते हैं रियर साइड की, सबसे पहले बात करते हैं इसकी टेल लैम्प यूनिट की, स्टॉप लैम्प, इंडिकेटर और रिवर्स यहाँ मिल जाएगा आपको, उसके साथ यहाँ मिल जाता है रिफ्लेक्टर, तो ब्लैक कलर का ही पीछे बम्पर मिल जाता है इस वाले मॉडल में हमें, एक और दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ब्लैक कलर की लाइटिंग्स मिल जाती है यहाँ पर, लॉक अनलॉक के लिए पीछे यहाँ पर की का ऑप्शन दिया गया है, सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे पहले इको का बेजिंग आया करते थे लेकिन कंपनी क्या बताओ चेंज कर दियो, अब कुछ इस प्रकार के ग्राफिक्स जैसे आ रही है दोस्तों। यहाँ पीछे वाले के अंदर कोई भी डिफोगर वगैरह कुछ नहीं मिलता है इसके अंदर, यहाँ आपको सिर्फ हाई मोस्ट लैम्प मिल जाती हैं, और यहाँ मिल जाती है दोस्तों सीएनजी की ग्राफिक्स। और यहीं अगर इसके रियर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं हम, 3 लिंक रिगार्ड रियर सस्पेंशन मिलता है इसमें, और यह रियर व्हील ड्राइव आती है दोस्तों। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की और इसके सीएनजी टैंक की, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से इसे ओपन करते हैं, और यहीं पर अगर इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका बूट स्पेस आपको मिलता है इसके अंदर तकरीबन 400 लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिलता है, और यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों इसका
सीएनजी टैंक। और ये अगर इसके सीएनजी टैंक की बात कर लेते हैं हम तो 65 लीटर की क्षमता का इसमें इसका सीएनजी टैंक मिल जाता है हमें यहाँ पर। और यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, काफ़ी हेवी शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं इसके अंदर पीछे बूट के लिए। और दोस्तों आपने देखा होगा उस साइड इसके अंदर पेट्रोल का दिया गया है फ्यूल फिलर कैप के लिए, और इधर आपको मिल जाता है सीएनजी के लिए। यहाँ से अपने आप इसमें सीएनजी डलवा सकते हैं इस साइड में। और दोस्तों कंपनी फिटेड इसके अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर आपको। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ, यहाँ से ओपन करते हैं और कुछ इस प्रकार की डोटरी मिल जाती है हमें। यहाँ देख सकते हैं विंडो रेगुलेटर हैंडल, इनर हैंडल और यहाँ ग्रैब हैंडल कुछ इस प्रकार से। लॉक अनलॉक आप इस यहाँ से पॉप अप नॉब से कर सकते हैं इसे। और ये ड्राइवर सीट और ये को पैसेंजर सीट, और इसे यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। यहाँ से करते हैं इसकी की ऑन, और सामने देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। 0 से 180 की स्पीड दी गई यहाँ पे कंपनी की तरफ से। और इधर मिल जाता है आपके फ्यूल लेवल गेज का, और आपको मिल जाता है इसके अंदर 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, सुजुकी का लोगो। एक एयरबैग यहाँ मिल जाता है और एक एयरबैग वहाँ मिल जाता है दोस्तों। दो एयरबैग मिल जाते हैं इसमें फ्रंट में, और यहाँ पे कोई भी स्टेयरिंग एडजस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता इसमें। इधर मिल जाते हैं हेडलाइट यूनिट कंट्रोल्स, टर्न इंडिकेटर कंट्रोल्स, इधर वाइपर्स के कंट्रोल्स। यहाँ मिल जाता है आपको हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल्स, बोनट ओपन करने के लिए यहाँ से आपको मिल जाता है कंट्रोल्स। और दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है ये है यहाँ पे पेट्रोल और सीएनजी वाइज आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी हरी लाइन जो भरी हुई है दोस्तों, ये है कि सीएनजी फुल है अभी। और पेट्रोल टैंक के लिए जो रेड आ रहा है दोस्तों, ये है मतलब कि इसका पेट्रोल टैंक का फ्यूल कम है, सीएनजी भरी हुई है इसके अंदर। और यहाँ देख सकते हैं एसी वेंट्स, टोटल 4 एसी वेंट्स मिल जाते हैं इसमें। और यहीं डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन का इसके अंदर हमें डैशबोर्ड मिल जाता है। और यहाँ मिल जाता है ग्लो बॉक्स, और काफ़ी स्पेस है इसके ग्लो बॉक्स में। और मैंने कहा था दोस्तों कि ये एसी मॉडल्स हैं, तो एसी मॉडल में आपको एसी के कंट्रोल्स आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे। आप हॉट एंड कोल्ड भी दोनों में यहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है इसकी ब्लोअर की स्पीड, फैन की स्पीड मतलब। और एसी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे जगह दी गई है कि म्यूजिक सिस्टम्स लगवाने के लिए कंपनी फिटेड नहीं है, आप इसमें म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं दोस्तों। और अगर आप इसमें म्यूजिक सिस्टम्स लगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्पीकर्स की जगह भी मिल जाती है दोस्तों। और स्पीकर्स के लिए कंपनी ने यहाँ पे इसके अंदर जगह दी गई है, आप यहाँ पर अपने स्पीकर्स सेट करवा सकते हैं। और आप अपना यहाँ पर मोबाइल रख सकते हैं दोस्तों, मोबाइल का स्पेस मिल जाता है। यहाँ हल्का सा स्पेस मिल जाता है कुछ रखने के लिए। 12 वोल्टेज का इसमें आपको चार्जर सॉकेट मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी स्पेस है, आप कुछ रख सकते हैं। यहाँ वहाँ आपको मिल जाता है बोतल होल्डर, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ की वगैरह या कुछ भी रख सकते हैं, कॉइन्स वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो दोस्तों। और ये मैनुअली आती है दोस्तों, 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स हैंड ब्रेक कुछ इस प्रकार से। यहाँ शायद कॉइन्स रखने के लिए जगह दी गई कंपनी की तरफ से। और फ्रंट में 2 सीट बेल्ट्स, साइड डोर ट्रिम कुछ इस प्रकार के मिल जाती है दोस्तों। इधर मिल जाता है ग्रैब हैंडल्स पकड़ने के लिए। और यहीं बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सनवाइज़र की, यहाँ पे कोई भी टिकट होल्डर वगैरह कुछ नहीं मिलता। इधर बात करें तो इधर भी कोई टिकट होल्डर या कोई वैनिटी वगैरह नहीं मिलता दोस्तों। रूफ लाइट हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाती है रूफ लाइट। और नॉर्मल इसमें IRVM मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के, यहीं पर इसकी लंबाई 3,675 mm, चौड़ाई 1,475 mm, ऊंचाई 1,825 mm यहाँ मिल जाती है हमें। और 2,350 mm का हमें यहाँ पर इसका व्हील बेस मिल जाता है दोस्तों। और अगर यहीं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm का हमें यहाँ पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है दोस्तों ऑल न्यू इको में। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं इसके पीछे वाले रो के अंदर, अब यहाँ से ओपन करते हैं इसे।
इसमें स्लाइडिंग डोर आता है दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ से आप पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल 5 सीटर रही हैं। और हर सीट पे कंपनी आपको सीट बेल्ट प्रोवाइड करा रही है दोस्तों। और सीटों में काफ़ी स्पेस है देख सकते हैं आप। और कुछ इस प्रकार का व्यू आता है फ्रंट का देख सकते हैं आप। और कुछ इस प्रकार रूफ मिल जाती है। और एक रूफ लाइट है मिल जाती है हमें। और पीछे वाला डोर कुछ इस प्रकार का मिल जाता है इसमें, विंडो रेगुलेटर हैंडल, लॉक अनलॉक। और यहाँ से इस अंदर से आप खोल सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों टूल किट वगैरह। ये जब गाड़ी कस्टमर्स को हैंड ओवर कराती है कंपनी, तब भी कंपनी द्वारा ये कस्टमर्स को दिए जाते हैं दोस्तों। और यहाँ से करते हैं इसका बोनट ओपन, देखते हैं इसके बोनट के आगे अंदर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर मिल जाते हैं वाइपर मोटर और वाइपर्स की बोतल, ABS यूनिट, रेडिएटर, AC कंडेंसर का फैन दिया गया है इधर, AC कंडेंसर दिया गया है, ब्रेक फ्लूड यूनिट। और दोस्तों इसका जो इंजन है वो दोस्तों सीट के नीचे आता है दोस्तों, आपको पता ही होगा आपको, तो इसलिए आपको कुछ इस प्रकार का स्पेस मिलता है फ्रंट में। और ये जगह दी गई है शायद ये जेक के लिए दी गई है। यहीं बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो तकरीब 5,70,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस बैठती है दोस्तों। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में 16.11 किलोमीटर का माइलेज देती है और CNG में 20.88 का माइलेज देती है दोस्तों। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। और दोस्तों हम करते हैं गाड़ी स्टार्ट। दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और यहीं पर अगर इसके इंजन की बात कर लेते हैं हम, दोस्तों कैसे लगी आपको ये ऑल न्यू इको 2022 का लेटेस्ट मॉडल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल फ्रेंड्स।